नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और अब देखते हैं चुनावी चौसर। तो बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति अब कर दी है। नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी नितिन नवीन बनाए गए हैं। हालांकि नितिन नवीन पहले से ही छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं और जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं। ओम माथुर की जगह अब नितिन नवीन लेंगे, तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहले से ही नितिन नवीन सक्रिय हैं और मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन अब उन्हें चुनाव प्रभारी बना दिया गया है। ये बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब आ चुका। पहले चरण के लिए नामांकन की तारीख आज समाप्त हो चुकी और अब धीरे धीरे जो है चुनाव का खुमार चढ़ता जाएगा। और ऐसे में बहुत जरूरी था चुनाव प्रभारी की नियुक्ति का काम, और बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है और नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें हैं और सभी 11 की 11 सीटों को जीतने का लक्ष्य बीजेपी लेकर चल रही है, और इस लिहाज से पहले से नितिन नवीन छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं और अब उन्हें छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस वक्त हमारे साथ हमारे संपादक अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कितनी अहम जिम्मेदारी और कैसे निर्वहन होगा बड़ी जिम्मेदारी। हालांकि नितिन नवीन तो पहले से सक्रिय हैं। अभिषेक जी, बिल्कुल, देखिए नितिन नवीन यहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे पहले सह प्रभारी के रूप में नियुक्ति इनकी हुई थी, और छत्तीसगढ़ में अगर इस वक्त प्रभारी के तौर पे सबसे पुराने कोई व्यक्ति हैं तो नितिन नवीन ही है। तो लगातार वो सह प्रभारी के तौर पे सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, जब वो बिहार में मंत्री थे पहले और बीच में सिर्फ विधायक थे और अब मंत्री बने हैं, उसके बाद भी लगातार वो सक्रिय रहे हैं। इसलिए चूंकि विधानसभा में चुनाव में वो माथुर को प्रभारी बनाया गया था और मनसुख मांडविया जो केंद्रीय मंत्री हैं सह प्रभारी थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव के बाद उनके ऊपर और दूसरी जिम्मेदारियां थी, इसलिए वो अलग अलग जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं। मनसुख मांडविया खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वो माथुर का भी पार्टी दूसरी जगह इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में नितिन नवीन को पूरी तरह से चुनाव का प्रभारी बना दिया गया है और उनके नेतृत्व में अभी छत्तीसगढ़ का चुनाव बीजेपी यहाँ पर लड़ेगी। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी लगातार नितिन नवीन छत्तीसगढ़ का दौरा करते रहे हैं। आज भी वो वहाँ बस्तर में थे नामांकन रैली में, तो बराबरी से वो बैठ के कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। ऐसे में ये सिर्फ औपचारिकता एक तरीके से पुनीत हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल घोषणा है, बाकी वो काम प्रभारी कहीं कर रहे थे। बिल्कुल, कब पहले से सक्रियता उनकी देखी ही जा रही थी और काम भी वैसा ही वो करते हुए नजर आ रहे थे, औपचारिक घोषणा भी कर दी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की भी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में कुल 40 नाम है, 40 स्टार प्रचारक बनाए जा सकते हैं। और लिस्ट में जाहिर सी बात है कि सबसे पहले अगर बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी की जाएगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम होगा और उसके बाद अमित शाह आते हैं, अमित शाह के बाद जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष जो हैं वे आते हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी इस लिस्ट में जगह दी गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम जो योगी आदित्यनाथ हैं उनको भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भी इसमें शामिल हैं और डिप्टी सीएम को भी इसमें स्थान दिया गया है। वहीं ओपी चौधरी और पवन साय का नाम भी लिस्ट में शामिल है। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। मध्य प्रदेश के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। 40 स्टार प्रचारक कमान संभालेंगे जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल हैं। इसके अलावा कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार का नाम शामिल है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत भी स्टार प्रचारक बनाए गए। मुंगेली में पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी उम्मीदवार ने पोस्टर वॉर जारी किया, कांग्रेस प्रत्याशी का पोस्टर जारी किया है। सोशल मीडिया में पोस्टर पोस्ट कर दिया गया, कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव का यह पोस्टर पोस्ट किया गया। बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू ने यह पोस्ट किया है। झाबुआ से खबर बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक ने विवादित बयान दिया। थानला के विधायक हैं वीर सिंह भूरिया, उन्होंने बयान दिया और बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं उनको लेकर विवादित बयान दिया। कहा बीजेपी उम्मीदवार को कोई पहचानता नहीं है, वो भिलाला है, डाकू चोर लोग हैं। हमारे भूरिया जी को सब जानते हैं, विधायक रहे, सांसद रहे, पूर्व मंत्री रहे, अनिता नागर सिंह चौहान बीजेपी की तरफ से लोकसभा उम्मीदवार। वो कहां के लोग हैं,
अलीराजपुर के उनको कोई जानता है और अपने लोग कोई उनको पहचानता है। लोकसभा का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का उस भाई को कोई पहचानता है? वो बिलाला है, वो डाकू चोर लोग है, वो चोरी करने वाले लोग है, वो कहाँ के लोग हैं? अलीराजपुर के उनको कोई जानता है और अपने लोग कोई उनको पहचानता है? और भुरिया साहब को खांडला के एमएलए रहे, फिर चार बार और पांच बार लोकसभा के मेंबर रहे अपन लोगों ने। मंडला पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और छह बार सांसद रहे और चार बार मंत्री रहे फग्गन सिंह कुलस्ते पर निशाना साधा। सिंघा ने कहा कि फग्गन सिंह कुलस्ते स्वास्थ्य मंत्री रहे लेकिन आज तक एक डॉक्टर नहीं ला पाए। फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम फुग्गे सिंह करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसलिए ब्रांडिंग और बैनर पोस्टर की सरकार है और किसानों कर्ज माफ नहीं करना चाहती। कांग्रेस ने पहले भी किसान कर्ज माफ किया था, अब की बार लोकसभा में आएंगे हर किसान कर्ज माफ। सर मीडिया पे भरोसा नहीं है मतलब आपको? देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि मीडिया की बात नहीं है, बात ये है कि सरकार अपने धन बल और पैसे से सभी को खरीदने में लगी है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का नामांकन आज खत्म हो गया। पहले चरण में मध्य प्रदेश की छह सीटों पर 153 नामांकन हुए। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर भी पहले चरण में चुनाव होना है। तो नॉमिनेशन के बाद क्या है चुनावी माहौल, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था। पहले चरण में एमपी की छह और छत्तीसगढ़ की एक सीट पर चुनाव होना है। मध्य प्रदेश की सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी तो छत्तीसगढ़ बस्तर सीट पर भी इसी दिन मतदान होगा। सीधी सीट पर बीजेपी के राजेश मिश्रा का मुकाबला कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल से है तो शहडोल सीट पर बीजेपी की हिमाद्री सिंह का कांग्रेस के फुंदेलाल मार्को से मुकाबला होना है। जबलपुर में आशीष दुबे और दिनेश यादव की टक्कर होगी। मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते और ओंकार मरकाम की भिड़ंत होगी। बात बालाघाट की करें तो यहां बीजेपी की भारती पारधी और कांग्रेस के सम्राट सरस्वत के बीच मुकाबला होना है। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ के सामने बीजेपी के विवेक बंटी साहू हैं। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर महेश कश्यप और कवासी लखमा की टक्कर होगी। एमपी की सबसे हॉट सीट कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से नकुलनाथ मैदान में है। उन्हें चुनौती देने के लिए बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। नामांकन के अंतिम दिन विवेक बंटी साहू ने नामांकन किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत बीजेपी के कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए और नामांकन के बाद विवेक बंटी साहू ने जीत का दावा भी किया। मैंने नामांकन दाखिल किया, अभी हमारे प्रदेश के हमारे प्रदेश के श्री और शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष सम्मानी दीदी भाई साहब जी, हमारे कैबिनेट मंत्री श्री पिलाजी भाई साहब, राजू भाई साहब भी आ रहे हैं, उनके साथ भी आकर मैं नामांकन दाखिल करूंगा और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी इस अवसर पर आ रहे हैं। तो यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता के रूप में किस तरीके से प्यार रहता है और उनके साथ में पार्टी घूम करेंगे। वहीं शहडोल संसदीय क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने आज नॉमिनेशन कर दिया। बीजेपी प्रत्याशी हिमाद्री सिंह की नामांकन रैली में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, मंत्री दिलीप जायसवाल मौजूद रहे। भारी जनसैलाब के साथ अनूपपुर जिला कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल किया गया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी फुंदेलाल सिंह मार्को के नामांकन में अनूपपुर जिले में कांग्रेस ने रैली निकाली जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शामिल रहे। नामांकन रैली में रोड शो कर जीतू पटवारी ने जनता से कांग्रेस के लिए आशीर्वाद मांगा। हिमाद्री जी ना किसी के सुख में आई, ना किसी के दुख में, ना किसी गांव में गई, ना किसी मोहल्ले में, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने हम और अहंकार में फिर से उनको प्रत्याशी बनाया। पांच साल में संसदीय क्षेत्र के लिए क्या किया सवाल है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हम युवाओं को 8,500 की पक्की नौकरी देंगे। बस्तर में नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई। बीजेपी उम्मीदवार महेश कश्यप ने पर्चा भरा। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय समेत डिप्टी सीएम अरुण साव, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव मौजूद रहे। सीएम और डिप्टी सीएम ने बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया।
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। आज श्री महेश कश्यप जी हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं। आज उनका नॉमिनेशन यहाँ पर फाइल किए हैं और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के संगठन के प्रभारी, चुनाव के प्रभारी श्री नितिन नोइन जी भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने हराया हो विधानसभा चुनाव में, जिस प्रदेश अध्यक्ष की टिकट लोकसभा से उनकी पार्टी ने काटी हो, अब उनकी बातों पर आप गंभीरता से मत लें। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नॉमिनेशन फॉर्म की जांच 28 मार्च को होगी और कैंडिडेट्स 30 मार्च तक अपना नाम वापस ले पाएंगे। 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नामांकन के खत्म होने के साथ ही अब चुनावी दंगल और भी जोरदार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं जबलपुर से बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद रहे। नामांकन करने से पहले कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव की नामांकन रैली निकाली गई, जो कड़ा फाटक से बड़ा फुहारा और अंधेर देव होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। इस दौरान टाउन हॉल गांधी प्रतिमा पर रुकवा कर दिनेश यादव ने गांधी जी को नमन किया। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया समेत तमाम नेता रैली में शामिल हुए। शहडोल संसदीय क्षेत्र में बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया। बीजेपी प्रत्याशी हिमाद्री सिंह ने नामांकन रैली की, जिसमें डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और मंत्री दिलीप जायसवाल मौजूद रहे। भारी जन सैलाब के साथ अनूपपुर जिला कलेक्ट्रेट में उन्होंने नामांकन दाखिल किया। उधर कांग्रेस प्रत्याशी फुंदेलाल सिंह मार्को के नामांकन में अनूपपुर जिले के सभी कांग्रेसी शामिल हुए और इन्होंने रैली निकाली। इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के भी शामिल रहे। नामांकन रैली में रोड जीतू पटवारी ने जनता से कांग्रेस के लिए आशीर्वाद भी मांगा। और इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव बालाघाट पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी सम्राट सिंह ससवार के समर्थन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके पहले कांग्रेस प्रत्याशी ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए रैली अपने निवास से तुरकर भवन तक निकाली। बालाघाट की जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश और देश की जनता से आह्वान करना चाहता हूं, जो बोले झूठ बोले, कभी सच नहीं बोले, एक वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है, देशभक्त पार्टी है, गरीब की, वंचित की, पिछड़े वर्ग की और अपर कास्ट के गरीब का ध्यान रखने वाली पार्टी है। भूपेश बघेल की फिर से मुश्किल बढ़ गई है। चुनाव आयोग में उनकी शिकायत हुई है। बघेल पर भड़काऊ बयान देने के आरोप लगे हैं। जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने शिकायत की है। उन पर पाटन के आमा लोरी में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को नामांकन फॉर्म जमा करने की अपील की। बघेल पर बीजेपी ने निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया को दूषित करने के आरोप लगाए। निर्वाचन आयोग में हमने यह शिकायत की है कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी है श्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने कल अपने पाटन विधानसभा क्षेत्र के आमालोरी गांव में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ एक भड़काऊ बयान जारी किया है और उन्होंने वहां पाटन में आह्वान किया है कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में 375 से अधिक कैंडिडेट होंगे तो निर्वाचन आयोग को राजनांदगांव में बैलेट पेपर से मतदान करवाना होगा और इसके लिए पाटन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनांदगांव जाकर नामांकन दाखिल करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने पाटन क्षेत्र में निर्वाचन आयोग के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उकसाने और भड़काने का काम किया है। इसी संबंध में हमने शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी की शिकायत के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि साय सरकार के मंत्री आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और राज्य निर्वाचन आयोग मौन बैठा है। कांग्रेस पूछ रही कि क्या आदर्श आचार संहिता सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए ही है। आदर्श आचार संहिता का खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग को ठेंगा दिखा रहे हैं और राज्य निर्वाचन आयोग मौन है, आंखें मूंदकर बैठी हुई है। बेहद दुर्भाग्य का विषय है। गृह मंत्री विजय शर्मा जी होली मिलन कार्यक्रम में जाते हैं, वह जनता से ज्ञापन लेते हैं,
और सुबह से लेकर शाम तक मंत्रियों के जो बंगला है वहाँ विभाग के बड़े अधिकारी डेरा जमा कर बैठे हुए हैं। आखिर प्रदेश में क्या हो रहा है? क्या आदर्श आचार संहिता सिर्फ विपक्ष दल के नेताओं को डराने के लिए है? इधर जगदलपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। महापौर सफीरा साहू बीजेपी में शामिल हो गए, के साथ साथ पार्षद भी कमल के साथ पहुंच गए। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।